जब वीली वुली का सीन लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है, वीली मार दी लो का भाई, क्या खतरनाक लीन मार रहे हो, घुटना टच कर दिया, ऐसा लीन मार रहे हो लोग तो भाई, घुटना टच है भाई, घुटना टच है। अरे कहाँ भाई, कहाँ रोड पास आ रहा है उनका और मेरा। ओ ये तो गोली बनते भाया पची वाला भाई। ओ भाई कहाँ से निकले, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर डीएनए राइडर। सो गाइस आज आ रहे हैं हम नरेंद्र नगर एंड अभी हम चल रहे हैं नरेंद्र नगर की तरफ रोड पे। तो मैंने ऋषिकेश का सीन अभी दिखाया नहीं क्योंकि मैं क्या बोलते हैं अंकित भाई ने मेरे को 8 बजे बोला था, मतलब टाइमिंग गलत हो गई, आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल अभी राइडिंग में फोकस करते हैं एंड अभी आगे हमारे एक एक करके ओवरटेक मारेगी गाड़ियों को, तो मैं बताते रहूँगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो सबसे आगे हमारे आगे चल रही है MT15 एंड उसके आगे चल रही है बुलेट या शायद थंडरबोल्ट, पता नहीं कोई वो है बुलेट रॉयल एनफील्ड टाइप ना, आई डोंट नो रॉयल एनफील्ड, बल्कि मैं बेइज्जती नहीं करना चाह रहा बट जो भी है। और आगे चल रही है एकदम आमिर माजिद की तरह ब्लू रंग की RS 200, इसका तो वीडियो बनाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। TFT सो गाइस अभी आ रहे हैं नरेंद्र नगर, अभी हम चलने वाले हैं, पता नहीं GoPro बहुत दिक्कत कर रहा है, हैंग बहुत मार रहा है एंड पता क्या सीन हुआ कि मैं घर से पेलते हुए आ रहा, मैंने बिल्कुल ऑन नहीं किया, चार्ज भी बैटरी 50% कुछ है एंड देखते हैं एंगल क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ना एंगल सबसे मेन करता है, कहीं एंगल ही नहीं आ रहा। तो चलो चलो जाए, चलो एंगल तो सही आ रहा है। खैर बाय द वे आज हमारे साथ है MT15 अपाची RR 310 RS 200 MT15 RS 200 ब्लू रंग की, एकदम उसकी आमिर माजिद की तरह लग रही है RS 200 तो पूरी की पूरी एंड NS 200 और Duke 200। तो चला चला जाएगा अभी एंड GoPro हैंग बार बार मार रहा है, जिस टाइम मैं GoPro को ऑफ नहीं करूँगा, एक बार बैटरी निकाल के आगरा खाल पे अंदर डाल दूंगा तो चल जाएगा हमारा GoPro, अभी कोई सीन नहीं है। बाकी लूसीफर को मैंने पूरा वॉलिशिंग वॉशिंग करा रही की थी एंड ऑफ कर देते कहीं बैटरी ना ख़त्म हो जाए इसकी। तो चलो चला जाए, अभी चल ही रहे शायद सारे के सारे राइडर्स एंड अंकित भाई ने आज फुल ऑन गियर पहन रखे, ये गियर किसने दिए ये बताओ पहले, स्पॉन्सर है अंकित भाई सर है गियर की मिले बोल रहे खरीदे तो चलो चला जाएगा आज, मजा आने वाला है सीन। भाई भाई इसमें GoPro की स्क्रीन में टच मारी जरा, हाँ चल रहा है तो चल ही रहा है, बस GoPro का ही दिख रहा था भाई, दिखाएगा तुम्हें स्टंट वगैरह, मुझे वीली वुली का सीन लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है, वीली मार दी लो। मैं बोलता ना अंकित भाई कुछ दिखाएगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लीन चेक करना उनका आप भाई, क्या खतरनाक लीन मार रहे हो, घुटना टच कर दिया, ऐसा लीन मार रहे हो लोग तो, और हम तो अभी अनाड़ी है भाई, घुटना क्या पैर भी टच कर देंगे तो वही काफ़ी है, पैर तो टच हो जाता है हमारा खैर, पर घुटना नहीं होता। वो देखो बम क्या मारा उन्होंने, ये अंकित भाई बहुत तगड़ा लीन मार दिया, अरे इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, जितना ज़्यादा चिपक के चल सको उतना चिपको इनमें, नहीं तो इन्हें बाद में पकड़ना मुश्किल हो भाई, क्या खतरनाक बनी हो मार रहे, वही पूरा घटना घटना गया भाई घटना। एक तो अंकित भाई का एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया ना गाड़ी का, गाड़ी बहुत सालों से उनके पास ये वाली, अगर मेरी RC होती ना मेरे पास तब तो मज़ा आता लीन मारने में भी, और अंकित भाई का लीन तो ऑलरेडी इतना खतरनाक है ना। बाकी तो अभी सबसे आगे चल रही है RS 200, वो भी खतरनाक फील रहा है, बट उसको पकड़ना तो नामुमकिन हो जा रहा है जब हम अंकित भाई को ही नहीं पकड़ पा रहे। गायब होते जाएंगे, गायब होते जा रहे हैं, गैप आता जा रहा है धीरे धीरे करके, पता है वो डिफरेंस पता नहीं लग रहा बट जल्दी पता लग जाएगा, देखो अब पता लग गया हल्का सा गैप आ गया। चल भाई लूसी भाग, अरे लूसी का भागी, लूसी को भगाने वाला चाहिए यार, हमारा बस का दिखे इतना खतरनाक माना हो, देखा नहीं तुमने कैसे घुटना टच कर दिया उन्होंने पूरा का पूरा, यहाँ का ना टर्न बहुत बड़ा है, यहाँ ब्रेक मारना ही पड़ेगा, यहाँ तो यहाँ पर भी लीन मार रहे भाई, ये कोई लीन मारने की जगह नहीं यार, ये टर्न बहुत बेकार है, कुत्ता टर्न है वो, देखो बिजली मार दिया भाई, घुटना टच है भाई, घुटना टच है, अरे कहाँ भाई कहाँ रोड पार भाई, अंकित भाई क्या फेल रहे हैं, क्या फेल रहे हैं,
पैर बाहर आ चुका है यहाँ पर, फुल ऑन हाइपर राइडिंग गाइस। हमने भी ड्यूक पर पता नहीं कितना चुका दी गाड़ी और पीछे से ही पता लग गया। भाई वो तो पूरा लिटाते हुए जा रहे हैं अच्छे से एकदम। बहुत सही खतरनाक अंकित भाई, रोड जैसे सही हुई अंकित भाई, और स्पीड में फिर रहे। ये तो डेली की रोड हो गई इनकी, हमारी तो नई रोड है वैग। ये काला काला गिरा बना, ये डराता है, ब्रेक मारने पड़ गई। स्किल्स मैटर करती है, बाइक मैटर नहीं करती, इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा। वो MT-15 है और ये Duke 390 है, पर उनकी स्किल्स मुझसे बहुत गुना है, लाख गुना आगे है। जब से राइडिंग भी कर रहा हूँ तब से तो भयंकर, हमने तो ली भी नहीं थी गाड़ी इस टाइम तक, तो एक्सपीरियंस तो होगा ही ना। गैप देखो आपका, गैप बढ़ता ही जा रहा है उनका और मेरा। ओ ये तो गोली बनते भाई, बच्ची वाला भाई। सही है। फायदा उठा रहे हैं वो अपनी फेयरिंग बाइक का, हम नेकेड बाइक का नहीं उठा पा रहे। लीन मारने में डर लगता है इसमें। आरसी के मज़े थे और ड्यूक के मज़े। फिलहाल मज़ा आ रहा है, अभी आगे चल रही है 5310 एंड उसके आगे चल रहे हैं अंकित भाई अपनी MT-15 में, और हम चल रहे हैं अपने Duke 390 BS4 KTM। यहाँ सीधा पैच है थोड़ा सा, तो देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते, क्या ही पकड़ पाएंगे, टन आगे लोग। आ चुके हैं नरेंद्र नगर वाली रोडों पे, अंकित भाई के साथ रेस लग चुकी है MT-15 वाला, मतलब सॉरी अरे अपाची वाला। आगे निकल वो गड्ढा, बहुत तगड़ा गड्ढा था यार ये। अब रोड यहाँ से थोड़ी सही हो जाती है, भले कि ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया ना। कॉमेंट बोल रहे रोड सही हो जाती है, कहाँ रोड तो और अच्छी हो गई है। ऑफ रोडिंग करने आ गए हम तो यहाँ, 100-200 किलोमीटर दूर घर से हम ऑफ रोड करने आ रहे हैं यहाँ, बताओ। मेरा हाथ इतने जम गए ना, क्लच जम से दब नहीं रहा मेरे से, और नाक से घी बह रहा है। फिलहाल अंकित भाई आकरा पॉबिक MT-15 लहरा रहे, सांप बना दे वाला सीन है। ओ भाई कहाँ से निकले, MT वाला बोल रहा मैं अब ना, बहुत क्या पटाखे मार रही है आईडियो की। सो सारे राइडर्स आ चुके हैं, RS 200 है, NS 200 है, Apache 300 है, N200। क्या भाई क्या पटाखे मार रही है यार, मजा आ रहा है भाई, क्रैकल्स। डाउन शिफ्ट ढलान में होना, भाई अभी चल रही है हमारे आगे RS 200 आमिर माजिद जैसी बैटमैन। एंड ओ भाई कभाई तभाई पटाखे ऐसे मार रही है लूसी मेरी, सेक्सी लूसी सेक्सी, पटाखे तकड़े वाले मार रही मेरी लूसी पर। वाइजर बंद करके चलाता हूँ, मुंह पे हवा भी कम लगेगी और ठंडा भी कम लगेगा, आवाज भी सही आएगी, बस दिक्कत ये लगती है कि पसीना बहुत आता है फिर ऐसे में। अभी तो नहीं आएगा, गर्मी हो रही, खैर अभी तो। ओ भाई गड्ढे भी कमाल गए, क्या हो गए हैं। अच्छा यहाँ रुकना है, सो पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में हम।